हेलो माय लवली व्यूअर, वेलकम बैक विजेता व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पपाया फेशियल, जो कि हमारे स्किन के लिए बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं ढेर सारे मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशन, जो हमारे स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे रेडी करना है। इसे रेडी करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पपाया। इसे हम पील कर लेंगे। पील करने के बाद कट करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है, और इसी पेस्ट की हेल्प से हम पूरा फेशियल स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लींजर बनाऊंगी, देन मैं स्क्रब भी रेडी कर लूँगी। तो क्लींजर के लिए हाफ टी स्पून तक मैं पपाया पेस्ट ले रही हूँ, और 1 टीस्पून तक आपको रॉ मिल्क लेना है। अगर रॉ मिल्क नहीं है तो आप बॉयल मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं 1 टीस्पून तक पपाया पेस्ट ले रही हूँ, और स्क्रबिंग के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून तक राइस फ्लोर ऐड करने वाली हूँ। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा स्क्रब भी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लींजर की हेल्प से पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कॉटन को इसके अंदर डीप करेंगे और इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। ये हमारे फेस को डीपली क्लीन कर देता है। अगर आपके फेस पे मेकअप ना भी हो तो भी आप क्लींजर को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि क्लींजिंग क्या करता है कि पूरे फेशियल स्टेप के लिए हमें रेडी कर देता है। हमारे पोर्स को डीपली ये क्लीन करता है। इसके अंदर जो हमने मिल्क ऐड किया था उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि बेहतरीन क्लींजर का काम करता है। इसे हमें वॉश नहीं करना है, इसके ऊपर ही हमें स्क्रब अप्लाई कर लेना है। तो स्क्रब भी बिल्कुल हमें लाइटली हैंड से अपने फेस पे अप्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने राइस फ्लोर ऐड किया था, और राइस फ्लोर बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये हमारे फेस से ब्लैक हेड, वाइट हेड को रिमूव करता है। जो पोर्स के अंदर डेड सेल इकट्ठा हो जाते हैं उसको ये डीपली क्लीन कर देता है, जिससे हमें बाकी स्किन के प्रॉब्लम से भी ये बचा देता है। और जो भी हम मसाज क्रीम अगर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, इससे ही हमारा स्किन बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। और स्क्रब आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक करना है। फेस पे ज़्यादा आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बाद से अपने फेस को हम वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट मैं मसाज क्रीम रेडी कर रही हूँ। तो मसाज क्रीम के लिए मैंने अमूल का मिल्क पाउडर लिया है, जो कि 10 रुपीज का छोटा पाउच आपको मिल जाता है बहुत इजीली किसी भी शॉप से। 1 टीस्पून तक हम पपाया पेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून तक हम मिल्क पाउडर लेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर हनी भी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून तक कर्ड यानी कि दही इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक स्मूथ पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है ये मसाज क्रीम हमारा। अब इसे अपने फेस पे हमें अप्लाई करना है। तो फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे इसे मैं अप्लाई कर लूँगी, और मसाज आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। सर्कुलर मोशन में करेंगे। मसाज करने से फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे नेचुरल ग्लो आता है। यह रिंकल्स, फाइन लाइन जैसे एजिंग के साइन को भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमेशा हम अपर डायरेक्शन में ही मसाज करेंगे, जिससे हमारी स्किन बहुत ही टाइट हो, हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी इससे हमारी स्किन। और इसके अंदर जो हमने हनी ऐड किया था, हनी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। हमने जो इसके अंदर कर्ड ऐड किया था, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, विटामिन डी और B12 भी पाए जाते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये हमारे स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। पपाया में पोटेशियम पाया जाता है, जो स्किन के नमी को बनाए रखने में हेल्प करता है, स्किन के ड्राइनेस को ये दूर करता है। अब मसाज करने के बाद जो है इसे रिमूव कर लेंगे। आप चाहे तो अपने फेस को वॉश भी कर सकते हैं नॉर्मल पानी से। तो मैं यहाँ टॉवल की हेल्प से इसे रिमूव कर ले रही हूँ। उसके बाद से हम इसके ऊपर ही फेस पैक अप्लाई करेंगे। स्किन काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट सी फील हो रही है मुझे। अब जो है हम फेस पैक रेडी करेंगे। तो फेस पैक के लिए जो भी पपाया पेस्ट बच गया था, उसके अंदर हम 1 टीस्पून तक सैंडलवुड पाउडर को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके जगह पे मुल्तानी मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा फेस पैक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको कुछ अलग से मिक्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कि दोनों अपने आप में बहुत ही इफ़ेक्टिव फेस पैक है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे अपने पूरे फेस पे फिंगर की हेल्प से
अप्लाई कर लूँगी। फेस पैक हमारे स्किन को टाइट करता है। इसके अंदर जो हमने सैंडलवुड पाउडर ऐड किया था वो हमारे फेस से दाग धब्बे को रिमूव करने में, टैनिंग को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है, काफ़ी कूलिंग इफेक्ट देता है, तो आपको बहुत रिलैक्स सा भी फील होगा। और पपाया भी डेड सेल और गंदगी को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें पपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। इसे 10 मिनट तक फेस पे ऐसे रखेंगे फिर वॉश कर लेंगे। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया। आप इसका इफेक्ट मेरे फेस पे देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।